अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, था न्यूज़ यूट्यूब चैनल में कहते हैं आपको खुश आमदीद। दोस्तों, आज सिंध के लिए बड़ी खुशखबरी बताने जा रहा हूँ कि 3 जून को सिंध के अक्सर इलाकों में तेज़ तरीन बारिशें पड़ने के इम्कान मौजूद है। तो बारिशें कहाँ कहाँ होगी इसकी तफसील भी मैं बताऊँगा। और दोस्तों, उससे पहले आपसे छोटी सी गुजारिश है कि आपने अभी तक थार न्यूज़ यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करें, इस वीडियो को लाइक करके मुकम्मल देखें। आइए मैं आपको दिखाता हूँ, 1 जून 2 जून और 3 जून को सिंध के ज़्यादातर इलाकों में तेज़ तरीन बारिशों का सिलसिला जारी रहेगा। वो ज़्यादातर बारिशें कहाँ रहेंगी, देखते हैं इस रिपोर्ट में। जी हाँ दोस्तों, तो ज़्यादातर बारिशों का सिलसिला जो 3 जून को जारी रहेगा वो सखर, शिकारपुर, जैकबाबाद और उसके बाद कंडकोट, लालकाना, शहदादपुर, दादू, सेवन, बैरजा और उसके बाद अलावा दोस्तों नवाबशाह वालों के लिए खुशखबरी है कि 3 जून शाम 3 बजे के बाद नवाबशाह में बारिशों का सिलसिला जारी रहेगा। और उसके अलावा दोस्तों ये जो बारिशें हैं ये 3 जून शाम को 3 बजे से जो है शुरू होंगी। वो ज़्यादातर बारिशें जो है सिंध के अक्सर इलाके को टारगेट करेंगी, दादू, थेबो, सखर, जैकबाबाद। उसके अलावा दोस्तों पंजाब के शहर रहीम यार खान, बरखान, भावलपुर, मुल्तान, सियालकोट, उसके अलावा इंडिया के बॉर्डर के इलाका जो ख्वाजा, जैसलमेर और जो भी छोटे बड़े शहर आते हैं तो उनमें जो है सिंध बारिशों का सिलसिला ज़्यादातर जारी रहेगा। दोस्तों ये बारिशें 1 जून को भी होगी या थोड़ी बहुत और 2 जून को भी होगी, लेकिन 3 जून को शाम 3 बजे के बाद ये बारिशों का सिलसिला, शदीद बारिशों का सिलसिला शुरू हो जाएगा सिंध के अंदर, जो कि जैकबाबाद, कंदकोट, शिकारपुर, सखर, लालकाना, हिंगोरजा, दादू, सेवन, दोस्तों उसके अलावा चट्टा, ये जो मैं शहर बता रहा हूँ इस शहर में ज़्यादातर बारिशों का सिलसिला जारी रहेगा। इसके आसपास वाले इलाकों में भी बारिशों का सिलसिला आज जारी रहेगा। मज़ीद दोस्तों अपडेट आपको देता रहूँगा हर पल की, देखते रहें हमारा थार न्यूज़ यूट्यूब चैनल। इंशाल्लाह जहाँ रहेंगे आबाद रहेंगे, साथ रहेंगे जैसे ही बारिश। और उसके अलावा दोस्तों मानसून 2021 शुरू होने जा रहा है, उसके बारे में भी आपको अपडेट देनी है। और 6 जून से लेकर 12 जून के बीच जो साइक्लोन बन रहा है जिसका टारगेट हो सकता है कराची हो, तो उसके बारे में भी आपको अपडेट देंगे। इसके लिए देखते रहें थार न्यूज़ यूट्यूब चैनल। जहाँ रहें आबाद रहें। अल्लाह हाफ़िज़।